हमारे यहां अगर इस दुनिया में भारत में हिंदू धर्म का अगर जनाजा निकलते हुए देखना है तो किसी हिंदू की शादी में चले जाओ। शास्त्र कहता है सूर्यास्त के बाद वेद के मंत्र पढ़े नहीं जा सकते, तुम राक्षसों की तरह अर्धरात्रि में विवाह कर रहे हो। अरे वो काल कुछ और था जब मुगल तुम्हारे यहां थे, रात के अंधेरे में बहु बेटियों को उठाकर ले जाते थे, दिन के उजाले में ले जाते थे, तो रात में छुप छुप करके अंधेरे में विवाह कर दिया करते थे। अब कौन मुगल और कौन अंग्रेज तुम्हारे पीछे पड़ा है? क्यों नहीं तुम सूर्यास्त के पहले विवाह करते हो, अभिजित मुहूर्त में करते हो? वेद तो वही कहता है। तो तुम्हें तो ये भी ज्ञान नहीं है, हिंदू धर्म का डंका लेके घूमते चल रहे हो, डंका पीट रहे हो हिंदू धर्म का। तुम्हारे विवाह में देवताओं का कितना अपमान होता है। अरे विवाह में दो प्रकार के कार्ड बनाओ, विवाह एक संस्कार है, विवाह एक यज्ञ है। अरे भैया खाने पीने खिलाने वाले के लिए एक दिन रिसेप्शन 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 जो करते हो कर दिया करना, पर विवाह में बड़े लिमिटेड लोगों को बुलाया करो, अपने अपने परिवार वो भी जो सनातन संस्कृति को मानते हैं पवित्र रहते हैं। विवाह संस्कार में देवता आते हैं तुम्हारे द्वारा किए गए यज्ञ के भाग को लेने के लिए। अरे नाक पोछते हुए कान खुजाते हुए पता नहीं क्या क्या करते हुए अगर तुम किसी को भोजन दो तो तुम्हारा बच्चा भोजन नहीं करता, ऐसे ऐसे आंख करके बच्चे को दो, छी मम्मी कितनी गंदी हो तुम। और देवता आते हैं तुम्हारे बेटे और बेटियों के विवाह में, वो एक यज्ञ होता है, कोई शराब पी के खड़ा होता है, कोई गांजा पी के खड़ा होता है, कोई गुटके खाए रहता है, चमड़े के बेल्ट पहने रहते हैं, जूते पहने रहते हैं, 3 घंटे तक दूल्हा उपवास नहीं रह सकता, कोई फूफा बन के पेप्सी ढकेल देता है, कोई जीजा बन के कोक ढकेल देता है। अरे आज 3 घंटे जो अपने सिया को अपनी जानकी को पाने के लिए उपवास तक नहीं कर सकता, वो क्या पालेगा अपनी पत्नी को धर्म पत्नी को? ये कोई विवाह है? ये कोई सनातन संस्कृति है? और इसी को तुम विवाह कहते हो? विवाह यज्ञ है, यज्ञ है। इसलिए हमारे यहां तलाक और डिवोर्स का कोई सिस्टम नहीं है, उनके यहां विवाह एक एग्रीमेंट है, आज हुआ है कल तोड़ देंगे। पर सनातन संस्कृति धर्म पत्नी और पति स्वामी इस प्रकार की एक संरचना है। विष्णु और लक्ष्मी बताया जाता उनको, तुम कौन से विवाह कर रहे हो? अंग्रेजों के पिट्ठुओं, अंग्रेजों के गुलाम बड़े बन गए हो, भारत के पैसे खा करके उन पैसों से भारत को ये दिखा रहे हो अंग्रेजों और पाश्चात्य संस्कृति की तरह विवाह करके साधारण भारतीयों के मन में लोभ उत्पन्न कर रहे हो। और ये समाज के अग्रणी लोग बने हुए हैं, ये समाज के श्रेष्ठ लोग बने हुए हैं, ये समाज को दिशा दिखा रहे हैं, ये समाज को भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने दन का, लोगों को दिखा रहे हैं। एक गरीब बेचारा विवाह करने में भी लज्जा करता है, इतना आडंबर बना दिया। विवाह एक यज्ञ है, बड़ा पवित्र यज्ञ है, सुंदर यज्ञ है, वेदियां बनती हैं। हमारे यहां दूल्हे दुल्हन उनके वस्त्र कैसे होते थे, देखो आज के 50 साल पहले ही देखो ना, 50 साल पहले के फिल्म देख लो बॉलीवुड में, तो समझ जाओगे कैसे वस्त्र पहन करके विवाह करता हमारे यहां पर। क्योंकि बॉलीवुड भी या सिनेमा भी समाज का दर्पण होता है, और अब बदले हुए बॉलीवुड को देख लो कि अब कैसे विवाह करते हो। हमारे विवाह में हमारे वस्त्र, हमारे परिधान, फिर लेन देन इतना तो बनता है, 5 साड़ी तो बनती है, 21 साड़ी लगेगी ननद की। अरे कौन से ग्रंथ में लिखा है कोई माई का लाल भारतवर्ष में किसी शास्त्र में मुझे दिखाए, कहां लिखा है ये लेन देन? तुम्हारी बुढ़िया पुराण में होगा, लोभियों के बनाए गए कानून, लोभियों के बनाए गए नियम।
अरे जरा सोचो, एक बच्ची एक बेटी अपना नाम अपना गोत्र छोड़कर आती, अपना टाइटल छोड़कर के आती, अपने घर परिवार माता पिता भाई बहन सखी सहेली छोड़कर आती और तुम्हारे वंश को बढ़ाने के लिए तुम्हारे घर में आती है, उसको भी टीवी फ्रिज और कार के लिए मिट्टी तेल और पेट्रोल से जला देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भारतवर्ष में जन्म लेकर बैठे हो, तुम्हारी बाजुओं और भुजाओं में अगर शक्ति है तो अपने पैसे से कार खरीद लो, अपने पैसे से फ्रिज खरीद लो, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के पिता तो बचपन से उसके लिए खिलौना खरीदते रहते हैं। जब छोटी रहती है 5 रुपए का, थोड़ी बड़ी हो जाती है थोड़ा और बड़ा, थोड़ी बड़ी हो गई साइकिल खरीद लिया, थोड़ी बड़ी हो गई स्कूटी खरीद दिया, और बड़ी हो गई अच्छे घर के हैं कार खरीद दिया 5 लाख का, और एक दिन फिर जा करके 5 करोड़ में एक गुड्डा खरीद के ला के दे दिया, तो खरीदे हुए सामान की जो इज्जत होती है वही दूल्हे की भी इज्जत होती है। दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे?